थी, मैं समझदा खबर पढ़ी है भी साढ़े होमगार्ड के जिहड़े शहीद हो गए कपूरथला जिले सुल्तानपुर लोधी थाने, अपने पिता की डैथ तो बाद उन्हां दे थों नौकरी मिली सी, जॉब मिली सी, ते अज उन्हां दा बेटा भी अज शहीद हो गया पंजाब पुलिस च। ये मैं हैरान हाँ, 40-50 ये वैपन सी इन्हां कोल, इह की हो की गया पंजाब च? तुसीं गुरुद्वारे साहब दे कब्जियां पिछे लड़ रहे हो, गुरुद्वारा साहब सेवा है, लोगों ने आ पवित्र दिहाड़े ते गुरु नानक देव जी दे पवित्र दिहाड़ियां ते उत्थे जाना सी, ते तुसीं हर जगह बैठे हो, गोलियां बंदूक परचे चक्की, गुरुद्वारियां च तुसीं कर की रहे हो, थोड़ी लोड़ की है गुरुद्वारियां च? गुरुआं दे गुरुद्वारे आ, लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब नूं नतमस्तक होण जाना है, तुसीं कौन की करन लगे हुए? तुसीं थोनू पता भी ये बड़े दिन हुंदे आ, बड़े दिनां ते लोगों ने आना, बड़ा चढ़ावा चढ़ना, ते तुसीं खून दे प्यासे हो जाने। दो धिरां तुसीं एक गुरुद्वारे ते कब्जा करन लई, ते जे थोनू रोकणगे ते पुलिस वालिआं नूं तुसीं सिद्धियां गोलियां मार के मार दिंदे हो, कहिंदे हो आ जे पुलिस दे, बैठे हां असीं, होर चूड़ियां थोड़ी पाईआं। अज मैनू ये दसो, जे खुदा ना खासा जे अज पुलिस की गोली नाल कोई उत्थे मरिया हुंदा, तां तुसीं देखो किड्डी बड़ी गल बना लैणी सी भी की साडे पंजाबियां नाल साडे नाल की हो रहा। पर अज जे पुलिस वाला शहीद हो गया, वह भी वर्दी च जिहदी ड्यूटी आ, तुसीं अज कोई नहीं बोल रहे, अज चुप करे बैठे हो तुसीं। मैं सलाम करदा इस पुलिस वाले नूं जिहड़े कि दो दिन दे लगे हुए सी भी इन्हां दा टकरा ना होवे आपस विच, उह टकरा नूं थोनू बचाउंदे हुए भी थोड़े बुढ़े दल ते दूजे दल जिहड़े ने उन्हां च ना टकरा हो जाए 96 करोड़ी ते उह अपनी जान दे गया। मैं उन्हूं सल्यूट करदा, उहदे परिवार नूं सल्यूट करदा, ते उहदे परिवार नाल सारी पुलिस नाल खड़े आ। जे पुलिस मजबूत नहीं रहू तां इसे तरीके नाल लुट्टां खूहां नशा जिस तरीके नाल हो रिहा पंजाब च, क्योंकि पुलिस डरदी आ, जे पुलिस किसे नूं हत्थ पाउंदी आ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲੋ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਜਾਣ? ਫਿਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਰੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਚ? सख्त कार्रवाई करो सीएम साहब, थोड़ी सरकार दिखनी चाहिए है भी ये ऐसा हिम्मत ना करे कोई पुलिस के उत्ते कोई गोली चलाने की। इस करके इहदा बहुत बड़ा इंतजार करांगे थोड़े किस तरीके का तुसी फैसला करते हो। आम लोग शांति चाहते हैं, गुरुद्वारा साहब मत्था टेकन शांति चाहते हैं। शहीद होया जसपाल सिंह, देखो अज जसपाल सिंह शहीद कादे लई होए? अमन शांति लई, भी आपस विच देखो मैनू यह नहीं आता, चिट्टियां दाड़ियां वाले बजुर्ग ने इन्होंने की गोलियां मार के सिर्फ की भी वह गोलक का पैसा उत्थे जिहड़ा चढ़ावा चढ़दा, उत्थे जो होर बहुत कुछ लोग अपने मन्नतां पूरियां हुंदियां गुरु दे, होर बड़े चढ़ावे चढ़दे आ, सोनिया तो लैके फल फ्रूट तो लैके सब कुछ, तो यह उस दी लड़ाई उस करके गुरुद्वारे कब्जे करते हैं, जिवें उत्थे पन्नू वर्गे कब्जे करी बैठे आ, इत्थे ये लोग गुरुद्वारे साहब कब्जे करते हैं। दूजी गल मैं ये कह रहा सी भी तुसी अज एक पुलिस वाला शहीद होया ना, अज तो यही जो केस चलता रहूगा एक दहाके दो दहाके 10-15 साल बाद जिन्हें इन्हों मारिया उस वेले इन शहीद बना देंगे। जिहड़ा वर्दी च होगा पुलिस वाला ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੂਆਂ ਨੇ ਹਵਾਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਹ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੋ,
एक एससी परिवार चो गरीब परिवार चो हुआ जसपाल सिंह जिदे फादर की डैथ हुई तो ए नौकरी उन्होंने मिली उन्होंने तुम अज शहीद करता। पर यही याद रखियो मेरी गल इन्ह दियां फोटो गुरुद्वार च लावोंगे तुम तो यह कहोगे ये बहुत बड़ा यदि कुरबानी सी जी पुलिस आले नू मारिया सी उदो भुल जाणगे लोग पता नहीं होगा भी ये कहणगे भी गुरुद्वारे ते पुलिस आले कब्जा करना आए सी ये नहीं दसना भी ये आपस में लड़दे गुरुद्वारियां ते दो जथेबंदियां नू उहनू पुलिस आले बचाउण आए सी लोकां लई गुरुद्वारे सुरक्षित रखण लई। मैं दोबारा एक गरीब परिवार एक एससी परिवार चो साडे पुलिस आला जिहड़ा शहीद होया है उन्हों फिर एक बारी सलूट करदा सलाम करदा ते सरकार सख्ती नाले फैसला करे ठीक है वह परिवार का बाकी सब कुछ हो जाना है ये समझौते।